नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, ब्राइट फ्यूचर क्लासेस में आप सभी का पुनः स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। विज्ञान विषय की इस वीडियो की श्रृंखला में आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं आनुवंशिकता का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो ब्राइट फ्यूचर क्लासेस एक ऐसा वीडियो लर्निंग ऐप है जिसमें वर्तमान समय में 5 राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, छत्तीसगढ़ और दिल्ली के स्टूडेंट्स इससे लाभान्वित हो रहे हैं। और यह एप्लीकेशन मेरे द्वारा बच्चों के हितों को ध्यान में रखते हुए निशुल्क बनाया गया है, जिसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं हमारे आज के टॉपिक पे, आनुवंशिकता। बच्चों, हम देखते हैं कि नीम के पौधे से नीम, गेहूं के पौधे से गेहूं, चने के पौधे से चना, मनुष्य से मनुष्य की संतान और शेर से शेर की या घोड़े से घोड़े की संतान, मतलब जो जिस जाति का है उसी जाति की संतान उत्पत्ति होती है। हमने कभी भी ये नहीं देखा कि गेहूं का बीज अगर हम बोते हैं तो चने की फसल उग जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो लक्षण हैं, जो जनक पीढ़ी जो होती है उसी से वो लक्षण संतति पीढ़ी में जाते हैं। गेहूं का बीज बोया हमने तो वो जनक, नया जो पौधा बन रहा है वो उसकी संतति, तो उसमें वही गुण और वही लक्षण आएंगे जो उस गेहूं के बीज के थे। इसे ही आनुवंशिकता कहते हैं साधारण शब्दों में। लेकिन अगर विज्ञान की अगर हम बात करें तो आनुवंशिकता का मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो लक्षणों का गमन होता है या लक्षणों का जाना आनुवंशिकता कहलाता है, अथवा माता पिता से संतान में लक्षणों का जाना। आनुवंशिकता के बारे में सबसे पहले जो पता लगाने वाले थे वो थे सर जॉन ग्रिगोर मेंडल, इसलिए मेंडल को आनुवंशिकता का पिता के नाम से जाना जाता है। विज्ञान की जिस शाखा में आनुवंशिकता का अध्ययन किया जाता है उसे हम आनुवंशिकी कहते हैं। जैसे पादप का अध्ययन करते हैं पादप विज्ञान, उसी प्रकार कोशिका का अगर अध्ययन करते हैं तो कोशिका विज्ञान, जंतुओं का अध्ययन करते हैं तो जंतु विज्ञान। इसी प्रकार आनुवंशिकता का जिस शाखा में अध्ययन किया जाएगा वो कहलाएगी आनुवंशिकता। लक्षण जो होते हैं वो जीन के द्वारा निर्धारित होते हैं। जीन लक्षणों को निर्धारण करने का कार्य करते हैं, जैसे लंबापन, भोनापन, आँखों का रंग, त्वचा का रंग, बालों का रंग। कई बार हम देखते हैं कि भाई बच्चा जब जन्म लेता है तो देखते हैं कि इसका चेहरा इसके दादाजी पर गया है, इसके अंकल पर गया है, इसके पिताजी पर गया है, इसकी आंखें तो इसकी बुआ जैसी है, इसकी नाक, तो वो सभी जो लक्षण हैं वो पीढ़ी से पीढ़ी में ट्रांसफर होते हैं, वही आनुवंशिकता होता है। मेंडल ने 3 नियम दिए मटर के पौधे के ऊपर प्रयोग करने के उपरांत, प्रभाविता का, पृथक्करण का और स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो ये 3 नियम हम आने वाले वीडियो में बहुत ही आसान शब्दों में हम पढ़ेंगे। तो आनुवंशिकता आपके समझ में आ गया होगा, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो लक्षण जाते हैं उसे आनुवंशिकता कहा जाता है। जीन जो है वो हमेशा युग्म में पाए जाते हैं, मतलब जोड़े में। अगर जोड़े के दोनों जीन अगर एक जैसे हो, समान, तो उसे हम समयुग्मजी कहते हैं। और यदि जोड़े के दोनों जीन अगर अलग अलग हो, यहाँ दिख रहा है हमको कैपिटल टी और यहाँ दिख रहा है स्मॉल टी, तो ये जो जोड़ा हो ये विषमयुग्मजी जोड़ा कहलाता है। और यहाँ पर दोनों ही जीन एक जैसे हैं तो यह कहलाता है समयुग्मजी। तो आज का वीडियो में बस इतना ही। नया वीडियो लेकर मैं आपके समक्ष बहुत जल्दी हाजिर होऊंगा। थैंक यू वेरी मच।